शिक्षा नहीं, बल्कि एक अपर मिडिल क्लास, एक ऐसी मिडिल क्लास 25-30% लोगों की जो इस रूलिंग क्लास के कंज्यूमर आइटम्स को, कंज्यूमर गुड्स को प्रतिशत बन जाए और वह इसके ढांचे को आगे बढ़ाने में मदद करे, उसके लिए उच्च क्वालिटी की शिक्षा और बाकी लोगों के लिए डिस्टेंस मोड से या वोकेशनल एजुकेशन के नाम से उनको स्कूल से ही बना के रखा जाए। वो बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन के तौर पर बट मिल रहे हैं गरीब लोगों को, उनको कंटेन किया जाए, इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण। और आप देखते हैं लगातार 1986 के बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ उसको एक गति मिली 1991 में जब नई आर्थिक नीतियां शुरू की गई, और आज के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दौर में जब वित्तीय पूंजी का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि वो उद्योग और व्यापार में तमाम उत्पादक गतिविधियों में लगी हुई पूंजी से लगभग 60 गुना ज्यादा बड़े आकार में है वित्तीय पूंजी, ऐसे दौर में शिक्षा को भी उन्होंने एक कमोडिटी बना दिया है। कमोडिटी का मतलब ऐसी वस्तु जो बाजार में मुनाफे के लिए बेची जाती है, तो मुनाफे के लिए पैदा की जाती है। और आप देखते हैं हमारी आंखों के सामने कितना बड़ा तामझाम, पहले हायर प्रोफेशनल एजुकेशन में कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों की, कहीं मैनेजमेंट के कॉलेजों की, कहीं कंप्यूटर एजुकेशन की, प्राइवेट संस्थाओं की पूरी बाढ़ की बाढ़ आ गई है। और आज आप किसी छोटे से कस्बे में भी जाइए, एक दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड है जिसके ऊपर डिग्रियों के नाम आप गिनोगे तो सैकड़ों की तादाद में, जैसे ये कोई परचून की दुकान है यहाँ पे हर डिग्री मिलती है। अभी कल परसों अखबार में आया हुआ था MD यूनिवर्सिटी ने अकेले जो यहाँ पे ये सभी प्रदान करने की कोशिश करती है कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, लेकिन पूरे देश में जैसे हमारे यहाँ बाहर के विश्वविद्यालयों की दुकानें हैं, ऐसे ही पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में MD यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर होते हैं जहाँ के आप कोई डिग्री ले सकते हो जब पैसा हो। जैसे आप किराने की दुकान पे गए या जनरल स्टोर पे गए, आपने पैसा दिया ये चीज ले लो, ऐसे ही आप डिग्री ले लो, कोई ले लो, PhD की ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन की ले लो, MPhil की ले लो, सब कुछ बिकाऊ है यहाँ पे। ये जो इसके लिए बहुत रोज दावा करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, राज्य के शिक्षा मंत्री जी, कि हरियाणा विश्व स्तरीय शिक्षा का हब बनने जा रहा है, वो पूरा हब बनने का जो माया जाल है, वो पूरा माया जाल दुकानदारी का है, वो शिक्षा को बेचे जाने का है, वो मध्यवर्ग की उस आकांक्षा को दोहन करने का है कि आपने पैसा कमा लिया और ये पैसा किसके लिए कमाया, अपने बच्चों के लिए कमाया, और इस पैसे से आप चाहे पहले कोचिंग के नाम पे, फिर एडमिशन के नाम पे, फिर डोनेशन के नाम पे, फिर आगे फर्दर कोई नेट की तैयारी, टेस्ट की तैयारी, एसटेट की तैयारी, किसके नाम पे आप सब कुछ वापस बाजार को सौंप दो, ये सब पूरा खेल। और ये माया मैं हरियाणा के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ना तो केवल हरियाणा की सीमाओं के अंदर बंधी हुई है बल्कि पूरे देश में ये माया जाल फैला हुआ है। आप किसी राज्य में सब जगह से आपको ये दुकान, शहर के कस्बे के 5-10 किलोमीटर दूर तक कहीं DEd के कॉलेज, कहीं BEd के कॉलेज, कहीं नर्सिंग के कॉलेज, कहीं पैरामेडिकल कोर्सेज के कॉलेज, कहीं पे इंजीनियरिंग के कॉलेज, और पूरी एक दुकानदारी, और इतनी बड़ी दुकानदारी, और उसमें बच्चों के दिमाग पे, मिडिल क्लास के दिमाग पे पूरा उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है के, और क्या करें, और कोई रास्ता है ही। आज से 10-12 साल पहले तक भी अनेक लोग हमारे शिक्षकों से ये पूछते थे, मास्टर जी बच्चे ने प्रश्न कर ली, मास्टर जी बच्चे ने मैट्रिक पास कर ली, बस विजन है क्या पढ़ाए, और हम बड़े फख्र के साथ उसको कोई कोई रास्ता बता देते थे कि ये करवा दो, इसे बच्चा 2-4 साल में ये कोर्स करके, ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आप पोजीशन आप अपने आप से पूछते हैं, औरों को गाइड करना दूर है,
क्या आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं वो क्या पढ़े? पूरे एक अंधेरी गुफा के अंदर पूरे कमाल को लाके फंसा दिया और पूरी सौदेबाजी के भीतर पूरी एक दुकान बनी है और ये व्यापारीकरण का प्रभाव मैंने कहा कि ना तो हमारे प्रदेश की सीमाओं के तक सीमित है और ना ही ये अब प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन। अब अगर आप पूछोगे कि ये यूनिवर्सिटी अपने स्टडी सेंटर सब सब स्टैंडर्ड सब स्टडी सेंटर क्यों खोल रही है? सरकार पैसा देने से मना कर रही है, यूनिवर्सिटी को बोल रही है कि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू करो, आप ऐसी व्यवस्था करो कि यूनिवर्सिटी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए, उसको दूसरों का मुंह ना देखना पड़े। सरकार ग्रांट नहीं दे सकती और सरकार ग्रांट नहीं दे सकती वो केवल रेगुलेट करेगी और रेगुलेट भी कैसे करेगी? जस्ट एप्लीकेशन फीस लेने के नाम से, रिकग्निशन के नाम से। वो दुकानदारियों को दुकानदारी करने से नहीं रोकेगी, रोज यूजीसी की तरफ से अलग अलग संस्थाओं की तरफ से एक यूनिवर्सिटी की रिश्तेदारी की जाती है। रिश्तेदारी करने का क्या मतलब है? जब आपको मालूम है ये फेक यूनिवर्सिटी है तो उसका मुकदमा बना के उसको अंदर क्यों नहीं डालते चाहिए? उसको आप काम करने की लोगों को लूटने की इजाजत दे क्यों रहे हो? ऐसा अजीब माया जाल है। कहते हैं हम रोक नहीं सकते ना किसी को काम करने के लिए, आपके प्रचार का क्या मतलब है? आम आदमी की इतनी एक्सेस कैसे हो सकती है? वो उपभोक्ता को खुद बोलते हैं, कंज्यूमर को बोलते हैं खुद कि आप तसल्ली कर लो असली है कि नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप तसल्ली कर लो। कहां से तसल्ली कर लो? नेट से कर लो। आजकल तो आप नॉलेज तक एक्सेस कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है उसके जरिए आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन जिस देश के 70% लोग यानी लगभग 93 करोड़ लोग 20 रुपए रोजाना से भी कम से गुजारा करते हैं, आप सोचते हो कि वो उनकी नेट तक एक्सेस है? वो नेट से तसल्ली कर सकते हैं? वो राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? सब सब कहते हैं फिर हम क्या करें, ये खेल तो जारी रहेगा और केवल हायर एजुकेशन में जारी नहीं रहेगा बल्कि स्कूल एजुकेशन में भी जारी रहेगा। सन 2010 में एक नया चीज नया नीति मॉडल आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। शब्द तो कुछ पुराना ही है ये, लेकिन 2010 में नवंबर में हरियाणा सरकार ने सैद्धांतिक नीति संबंधी फैसला लिया कि तमाम विभाग हरियाणा के अपने अपने विभाग के अंदर योजनाएं बनाए कि वो किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने मेट में ने। और सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बोला कि आप अपने ठोस प्रस्ताव क्या क्या बेचोगे, कहाँ कहाँ पे प्राइवेट क्षेत्र को आप जगह दोगे, कहाँ कहाँ पे उनको कारोबार करने दोगे, वो स्पेस बना के और हमें बताओ कि सेक्रेटरी ने लेटर निकालो। तो ये प्रस्ताव शुरू हो गए तरह तरह के, जिनको अमराज बोलते हैं, कभी नया तरीके ढांचा, कभी कोई और चीज लेके आ जाते हैं, कभी आरओई स्कूल लेके आ जाते हैं, कभी कोई और मॉडल स्कूल ले जाते हैं, कभी टीचर्स ट्रेनिंग को प्राइवेटाइज कर देते हैं, कभी इन सर्विस कोर्सेज को प्राइवेटाइज कर देते हैं, कभी किसी इंटेल की मदद से, कभी किसी और फॉरेन एजेंसी की मदद से, पूरे प्रदेश के अंदर और यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन में जो प्रोविजन था कि आप 6 से 14 साल के तमाम बच्चों के एलिमेंट्री एजुकेशन की गुणवत्ता की जिम्मेवारी समाज की होगी, सरकार की होगी, वहां पे भी प्राइवेट मनी के जो नॉन एडेड अनएडेड प्राइवेट स्कूल है वो 25% बच्चों को दाखिल करेंगे और उसके बच्चे में उसके बदले में सरकार फंड देगी। करने की एक पूरी योजना बनी हुई है।
ऐसे दौर में टीचर्स मूवमेंट की परिकल्पना करना, ऐसा टीचर्स मूवमेंट जो समाज के प्रति प्रतिबद्ध है, जो सबको शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, जो समाज के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, ऐसा टीचर मूवमेंट अगर इस पॉलिटिक्स को नहीं समझता और इसका उचित जवाब नहीं देता तो वो स्टैंड नहीं कर सकता। अब देखते हैं, खासकर जब पेज के रिवाइज होते हैं उस टाइम पे आप देखते हैं बरसाती मेंढकों की तरह से तरह तरह के संगठन, कभी किसी नाम पे, कभी किसी कैटेगरी के नाम पे, कभी किसी कैटेगरी के नाम पे, दर्जनों भर शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठन, आज इसका धरना चल रहा, आज उसका धरना चल रहा है, सामने आते हैं लेकिन बिना दृष्टि के आते हैं, पानी ले दें दोस्त, बिना नजर के आते हैं। और उसका यह नतीजा होता है कि वो उनको प्रॉमिस करते हैं हमें त्रिस्तरीय ढांचे पे कोई एतराज नहीं, हमें हाई स्कूल में मुख्य अध्यापक मत बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं, आप ये नया त्रिस्तरीय ढांचा बना के नौवीं दसवीं लेक्चरर को शिफ्ट कर दो और मास्टरों के पद खत्म हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं, टाइम बढ़ा दो हमें कोई एतराज नहीं, सेमेस्टर ले आओ हमें कोई एतराज नहीं, एजुसेट के नाम पर पैसा हजम करो हमें कोई एतराज नहीं, बस हमारी तो ये एक मांग, ये मांग ले। नतीजा क्या है कि इस पूरे दुष्कृत का लाभ उठा के सरकार जो करना चाहती है उस दिशा में निर्बाध ढंग से आगे बढ़ने की चेष्टाएं कर रही है। ऐसे माहौल में यही हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, जिसको आप कुछ महीने पहले तक हरियाणा राष्ट्रीय अध्यापक संघ के नाम से जानते थे, ये वो फोर्स है, ये वो संगठन है जो केवल आर्थिक मांगों के लिए नहीं, केवल अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे समाज का भला किससे होगा, इस नजर से अपने मांग पत्र को फॉर्मुलेट करता है।